हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई क्लास से रिलेटेड जो भी नए नए डाउट्स आया और जो भी नए नए अपडेट्स आया है, और जिन जिन लोगों को भी पैसा नहीं मिला है उनके बारे में क्या क्या अपडेट्स है, कब उन लोगों को पैसा मिलेगा, और जिनका भी कहीं पेंडिंग है तो उनका पेंडिंग कैसे हटेगा और बाकी लोगों को पेमेंट कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेबी। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट्स में देख लेते हैं। तो अपडेट्स में तो ऐसा कोई नया अपडेट आया नहीं है, डेट एंड ऑल सब कुछ सेम ही है। रजिस्ट्रेशन का डेट, स्टूडेंट अपनी वेरिफिकेशन का डेट, ये सब कुछ सेम ही है। यानी कि 2 अगस्त तक है आप लोग का इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा। अगर किसी का कॉलेज वेरीफाई नहीं किया है अब तक, तो 2 अगस्त तक आपका डेट है। ये 2 अगस्त तक आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वो लोग कर देंगे वेरीफाई। और रजिस्ट्रेशन अगर कोई नया फॉर्म रजिस्टर करता है तो उसका डेट जो है 10/3 से लेके अभी 25/7 तक, यानी कि इस महीने के 25 तारीख तक हो गया है, 25 जुलाई तक। बाकी एडिट एंड री अपलोड का डेट तो नहीं बढ़ा है, साथ साथ ही था और साथ साथ ही है। ठीक है दोस्त, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्या क्या किसका किसका डाउट आया हुआ है, सारा डाउट हम लोग इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो डाउट्स हम लोग जैसे आते देख लीजिए, डाउट में सबका क्या क्या डाउट आया हुआ है। सबसे पहला डाउट तो ये है कि एक लड़का है संतोष कच्चप, उसका 2 महीने से DLC में अटका हुआ है, संजीवियर कॉलेज रांची से। ठीक है, तो भाई अगर आपका 2 महीने से DLC में ही अटका हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ई कल्याण ऑफिस जाना है और वहाँ पे पता करना है कि क्यों अटका हुआ है। ठीक है, 2 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर 2 महीना से आपका अटका हुआ है तो जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगा, तो आपको ई कल्याण ऑफिस में जाकर उसको सुधरवा लेना है टाइम से। ठीक है, ठीक है भाई, संजीवियर कॉलेज रांची से हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो कचहरी वाला ई कल्याण ऑफिस। भाई मेरा फाइनल अप्रूव्ड होने में 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, अब कब तक आएगा मेरा? भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो तुम? संदीप, संदीप दास, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है भाई। ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जाके सच में कॉलेज में चेक करेंगे कि पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद कुछ कुछ प्रोसेस होगा, तब जाके अलॉट किया जाएगा उनको पेमेंट, तब जाके उनको पैसा आएगा। ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में सबका ये अप्रूव हो गया है तो एक दिन पैसा मिलेगा और सबको मिल जाएगा। ठीक है भैया, मेरा पैसा आया है लेकिन मेरा बोनाफाइड 2400 का है लेकिन आया है 2580 रुपया। मेरा स्टेट क्रेडिटेड लिखा है भैया, क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा? अगर स्टेट क्रेडिटेड लिखा है तो हाँ भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी आपको इसी के आसपास पैसा मिलेगा। क्योंकि देखो 2400 का अगर आपका बोनाफाइड था, 2500 रुपया आया है, तो वही आसपास और 2000 रुपया आपको आ सकता है, यानी कि 5-6 हज़ार रुपया आपको मिलेगा। ठीक है विवेक नायक, तो हाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा अगर आपका स्टेट क्रेडिटेड लिखा है तो। आगे हम लोग देखते हैं डाउट कि मेरा 1 मंथ से DLC ऑफिसर से अप्रूव शो कर रहा है, 1 मंथ से DLC अप्रूव कर रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्त। आकांक्षा तिर्की, तुमको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करो, ये DLC अप्रूव होने के बाद फिर ए अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर एक मंथ से ज़्यादा हो जाता है, 1.5 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार ईक्लाइन ऑफिस विजिट कर लो, वो लोग वहाँ पे सॉल्व कर देंगे डाउट। ठीक है, पलामू का कब आएगा? 2 मंथ हो गया फाइनल अप्रूव हुए। भाई पलामू वाले का अभी पलामू वाले का तो बहुत कोई का पैसा आ गया दोस्त, आपका जरूर कोई इशू होगा। अगर ए अप्रूव हो गया तो एक बार चेक कर लीजिए ईक्लाइन ऑफिस में जाके, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, 27 अप्रैल को अप्लाई किए थे, अभी तक DLC अप्रूव्ड हुआ है, फाइनल अप्रूव्ड होके पैसा कब आएगा सर, प्लीज रिप्लाई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई? आई एम फ्रॉम लोहरदगा। भाई देखो लोहरदगा का और 27 अप्रैल को, यानी कि देखो मार्च में शुरू हुआ था, तो आप 1 महीना लेट से अप्लाई किए वो फॉर्म। ठीक है, तो 1 मंथ लेट से अप्लाई किए तो थोड़ा टाइम लगेगा DLC अप्रूव्ड होने में, DLC अप्रूव्ड होके ए अप्रूव्ड होने में 1-2 महीने का टाइम तो लगता है दोस्त, तो थोड़ा वेट कीजिए। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का स्कॉलरशिप पेमेंट कब आएगा, वीडियो बनाकर जरूर बताइए। हाँ दोस्त, बता रहे जुनास इमरम कि पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का जो है पेमेंट सबको मिलना शुरू हो गया है, अगर आपका ए अप्रूव्ड हो गया है तो आपका भी 1 से 2 दिन में पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी का पैसा नहीं आया आपके कॉलेज से, तो कॉलेज एक बार वेरीफाई करेंगे आपका वो ए ऑफिसर, उसके बाद अलॉट कर देगा पैसा ना, तो सारा जितना भी कॉलेज का स्टूडेंट है सबको एक साथ पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, DC ऑफिस में गया था, उन्होंने कहा कि इस बार नियम में चेंज हुआ है, अब एक एक कॉलेज जाकर ऑफिस ऑडिट विजिट करेंगे, स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तब ही आएगा पैसा, ये अप्रूव वाले को बन चुका है बिल, बस ऑडिट होगा फिर पेमेंट बैंक में आ जाएगा। हाँ भाई वही हम बताए, DC ऑफिस में यही बतला रहा है कि आपका एक एक बार कॉलेज जाएगा, कॉलेज में ऑडिट विजिट करेंगे, फिर स्टूडेंट को देखेंगे, वो तो कर दे ही देंगे पेमेंट ए अप्रूव होने के बाद भी, बिल सबका बन चुका है, वही हम भी बता रहे थे। लेकिन क्या है कि वो एक मतलब वेरिफिकेशन के लिए, ताकि अच्छा से पढ़ाई लिखाई हो कॉलेज में, उस चीज़ का डर बनाने के लिए थोड़ा सा पेमेंट रोक के रखा है। ठीक है, वो जैसे ही होगा पेमेंट आ जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का अपील हुए थे ये, यानी जो कॉलेज नहीं जाते उन लोग को पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, जो कॉलेज नहीं आते पैसा नहीं मिलेगा,
वो कॉलेज का हाल चेक करने के लिए गए हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट का हाल नहीं। हाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं बस एडमिशन ले लेते हैं ना, वो आते नहीं है कॉलेज, बस पैसा मिल जाते हैं ई कल्याण से और वो लोग कहीं और वेस्ट कर देते हैं, कॉलेज का फी जो दिए हैं उसको नहीं मिलेगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन वही है थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है। गुमला का कब मिलेगा? 1 महीना हो गया फाइनल अप्रूव। गुमला का भी वही बताया ना भाई, गुमला वाला भी कि वही इशू है, एक बार जाएगा डीसी ऑडिट करने के लिए कॉलेज, कॉलेज ऑडिट हो जाएगा उसके बाद पेमेंट भेज देगा, ठीक है, थोड़ा वेट करो। रिसबमिटेड हुए 1 महीना हो गया, अभी तक चेक नहीं हुआ है भैया पैसा आएगा या नहीं। देखो भाई रिसबमिटेड वाला का 1 जुलाई से प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे वेट करो, आपका जब नंबर आएगा तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। दुमका में कब आएगा भाई? 2 मंथ हो गया है अप्रूव हुए, दुमका में तो पैसा आना शुरू हो गया दोस्त, दुमका में क्यों नहीं आ रहा? दुमका में अगर ये अप्रूव होकर 2 महीना हो गया तो भाई उसका भी कॉलेज, मतलब सारा डीसी को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप कॉलेज को एक बार ऑडिट करें, विजिट करेगा वहाँ पे कैसा पढ़ाई लिखाई हो रहा है सब कुछ चेक करेगा, उसके बाद अलॉट करेगा, सबका बिल बन गया, जिसका भी ये अप्रूव हो गया समझ लीजिएगा आपका पैसा अटका हुआ है, बस एक बार क्लिक करेगा चला जाएगा अकाउंट में, ठीक है। सर मेरा 1400 आया है, कितना का बोनाफाइड था शॉर्ट वीडियो आपका? 1400 आया है बोनाफाइड, बताइए। अगर बोनाफाइड में स्टेट क्रेडिटेड लिखा है तो एक बार फिर से मिलेगा। भैया मैं गिरिडीह से हूँ, मेरा ए अप्रूव 18 दिन हो गया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, प्लीज़ बताइए पैसा कब तक आएगा भाई? और वेट करो, थोड़ा 15-20 दिन का टाइम लगता है ए अप्रूव होने के बाद, ठीक है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह में सबको मिल रहा है तो आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, थोड़ा वेट कीजिए। 18 दिन पहले हुआ है, इसका मतलब आपका जून का लास्ट में हुआ है। कहाँ आ रहा है ए अप्रूव? हो चुका 2 महीना पहले, सारा चीज़ क्लियर हो गया। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों को देकर बंद कर दिया शायद। हाँ भाई गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों को बंद कर दिया है, बैरकॉप कॉलेज वाले को अभी नहीं मिल रहा है, वो बैरकॉप कॉलेज जाएंगे डीसी अगर विजिट करेगा उसके बाद सारा को पैसा मिलेगा। हम भी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमको तो मिल गया है अभी। कॉलेज अप्रूव हुआ है 28 जून को, कितना टाइम हो जाएगा आने में? 28 जून यानी कि आपका लास्ट में हुआ है, तभी तो आपका 10-12 दिन ही हुआ है दोस्त, अभी 15-20 दिन और वेट करना पड़ेगा धर्मेंद्र यादव, तब जाके आपका पैसा आएगा, ठीक है। कॉलेज अप्रूव हुआ है ब्रो, ठीक है ब्रो, कॉलेज अप्रूव हुआ है तो थोड़ा वेट करो पैसा आ जाएगा, ठीक है। झूठ बोलते हो भाई, रिसबमिटेड वालों का बोले थे कि बात किए हम इकलन वालों से, घंटा कुछ नहीं हुआ, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, डेट अप्रूव भी नहीं हुआ है, ऐसे पता करो भाई फिर बताओ। अरे भाई अच्छे से बता रहे हैं, प्रोसेस होना शुरू हो चुका है, ठीक है चंदन। तो अगर आपका डेट नहीं बढ़ रहा तो डेट वो खुद से बढ़ाएगा, सबको ए अप्रूव करके ही पैसा दे के ही मानेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा, कभी ऐसा होता है क्या? सबको मिलता है, थोड़ा लेट से मिलेगा बस। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ए अप्रूव्ड हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं है, ई कल्याण में ईमेल किए हैं उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। ईमेल करने से कुछ नहीं होगा भाई, ए अप्रूव्ड हो गया है तो आपका मेहनत खत्म, आपका काम यही तक है कि आपका डीसी ए अप्रूव कर दे, बाकी अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कब मिलेगा ये सब डीसी के हाथ में, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, इसका मतलब ये तभी ना ये अप्रूव किया। अब वो लोग डीसी देखेंगे आपका कॉलेज कौन सा है, वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसा होता है, उस हिसाब से वो लोग पैसा देंगे। ये इलेक्शन आ रहा है ना भाई, तो नया नया सिस्टम वो लोग ला रहा है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का किसी का पेमेंट आया और कब आएगा? किसी का भी नहीं आया भाई रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जब आएगा सबका साथ में ही आएगा, ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए, सबका आएगा साथ में आया है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ का भी डीसी का, सब डिस्ट्रिक्ट का भी रोक दिया है पेमेंट, ठीक है ना, जिसका भी नया नया ये अप्रूव हुआ है, ठीक है दोस्त। ब्रो मेरा ई कल्याण रिसबमिटेड 2 मंथ हो गया, कब आएगा? 2 मंथ हो गया तो भाई आपको एक बार ई कल्याण रिसबमिटेड हुआ है, अगर आप लेट से रिसबमिट किए होंगे तो आपका टाइम लगेगा, रिसबमिटेड का ये अप्रूव होना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप लोग मैसेज की 10 दिन पहले ये अप्रूव हुआ है, 5 दिन पहले ये अप्रूव हुआ है, उसका मतलब है कि वो लोग सारे रिसबमिटेड वाले ही हैं, ठीक है, तो आपका भी आएगा नंबर, हो जाएगा आपका भी। भाई मेरा डीएनओ से पेंडिंग हुआ था, हम 2 मंथ पहले रिसबमिट किए पर अभी तक रिसबमिट बता रहा। हाँ भाई रिसबमिटेड वाले का रिसबमिटेड ही बताएगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, उसका हो जाएगा, होना शुरू हो गया, ठीक है। बीएड वालों का कितना पैसा आता है ये तो हम बता दिए थे कि 26,000 आता है बीएड वालों का। तो आज के डाउट में जितना भी था सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और बी कल्याण से रिलेटेड जो भी किसी को डाउट आएगा वो हमें डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जितना भी डाउट होगा सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें जल्दी हो सके उतना जल्दी। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवीआर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।